रंग लाल की। नमस्कार, 7+ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुचित्रा कौल और आप देख रहे हैं जम्मू स्पीक्स। रक्षाबंधन के साथ ही त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है और बाजारों में इसके मद्देनज़र काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। आइए बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस साल क्या क्या नया खरीद रहे हैं और इस बार बाजारों में इसके रिगार्डिंग क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। जी, आप किस चीज़ की खरीदारी करने आए हैं? जन्माष्टमी की। क्या क्या खरीदने आई हैं आप बाजार में? ये भगवान जी का सामान, वस्त्र वगैरह, हार श्रृंगार उनका। पूजा रूम को अच्छे से साफ करेंगे, फिर उस हिसाब से उनको नहलाएंगे दूध में, फिर उनको पूरे नए कपड़े पहनाएंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे व्रत रखेंगे, फास्ट रखेंगे, फिर शाम को उनके पूजा करेंगे, फिर नेक्स्ट डे उनको झूले में झूला देंगे। पाल गोपाल जी लिए हैं, उनके लिए मुकुट वगैरह, माला, एवरीथिंग जो वो पहनते हैं, वो उनकी ड्रेस अच्छे से वो ली है, उनका पालना लिया है, झूला लिया है, वो सब हमने लिया है और बड़े खुशी के साथ ये फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल जो इसके लिए मिल जाए और इसको सजाऊँ उस हिसाब से कहना लगे पूरा ये, क्योंकि इसकी फर्स्ट जन्माष्टमी है, तो वही अभी फिलहाल परचेजिंग में चल रही है हम लोगों की, ताकि जन्माष्टमी अच्छे से मनाई जाए, बच्चों को भी इस बारे में बताया जाए कि ये हमारे पूर्वज, हमारे बड़े शुरू से मनाते आए हैं, तो आगे हम भी उसका अच्छी तरह पालन करें उस त्यौहार का। जाने के लिए माला, मुकुट मिल रहे हैं, बंसरियाँ मिल रही हैं बनी बनाइयाँ। मैं भी कपड़े लेने आई हूँ भगवान जी के, बहुत अच्छा अंतर है इस, अभी तो पिछले पहले से धूमधाम से मनाते हैं भगवान को, बर्थडे होता है, बच्चों को सब सिखाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान के झूले लगते हैं, सब बताते हैं। इसको खाना बनाना है तो उसके लिए हम कपड़े लेने आए हैं। पहले दिन हम मंदिर में बच्चों को खूब सजा के, कपड़े पहना के उसको खाना बनाकर ले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे खूब मस्ती करते हैं। अच्छे अच्छे उनको सजा के, उनको फूलों के साथ भी सजाना, नए वस्त्र डालते हैं उनको, बस यही है। भगवान के कपड़े लाने ते और भगवान की वो करने हैं, सब कुछ चढ़ाने चढ़ाने हैं, भगवान की सेवा करने हैं। और उस दिन हम फास्ट रखते हैं और फिर कृष्ण जी का वो श्रृंगार वगैरह करते हैं और रात को वो उनको पूजा करते हैं, रात को तो फास्ट भी रखते हैं और कोई ख़ास नहीं कुछ करते। पहले तो बड़ा झूले वगैरह, झांकी वगैरह निकलती थी, अब तो वो सब कुछ पीछे रह गया, पर अब नई जनरेशन आई है, वो उनको कुछ पता ही नहीं है। नमः समस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे सनातनीय एवं हिंदू धर्म में पर्व त्यौहार और उत्सवों में एक परम श्रेष्ठ उत्सव, जिसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का जो अवसर है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष एवं अष्टमी रात्रि 12 बजे की व्यापणी जो तिथि होती है उसको मनाया जाता है। ये प्रायः वैष्णव एवं स्मार्त संप्रदायों के अंतर्गत 2 दिन मनाने की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत है। इस वर्ष भी ये शुभ श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 सितंबर 2018 एवं 3 सितंबर 2018 को मनाई जा रही है। यो लोग स्मार्त हैं और यो लोग अर्धरात्र व्यापनी अष्टमी ग्रहण करते हैं और रोहिणी नक्षत्र को लेकर व्रत या उत्सव मनाते हैं, उनके लिए 2 तारीख जन्माष्टमी मनाना प्रशस्त है। और जो उदयकालीन जन्माष्टमी है, हम प्रायः उत्तर भारत के जो लोग हैं वो वह तिथि ग्राह्य करते हैं जो व्रत, जो उत्सव, जो त्यौहार उदय व्यापन काल में तिथि प्रशस्त हो, तो वो 3 सितंबर 2018 को उदय काल में अष्टमी है, जबकि रात्रि 12 बजे अष्टमी नहीं है। फिर भी हम लोग
प्रायः उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं इसी को मनाते हैं। इस व्रत को कैसे करें क्या नहीं करें उसके विषय में सर्वोपरि जितने भी व्रत जितने भी संकल्प होते हैं वो व्यक्ति के समस्त कायक वाचिक मानसिक सांसारिक त्रिविध पापों का नाश करने के लिए एवं इस चराचर जगत में लौकिक अलौकिक षठा को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। तप दान यज्ञ जितने भी काम में प्रयोग हैं वो व्यक्ति अपने इहलोक एवं परलोक की सुविधा के लिए करते हैं। तो भगवान का चिंतन भजन संकीर्तन यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे जो शुभ अवसर हैं इनमें करके व्यक्ति अपने दोनों इहलोक और परलोक के लिए उद्धार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जो सारी नई जनरेशन ही कर रही है। हम नई जनरेशन को ये संदेश देना चाहेंगे कि परंपरा को निभाते हुए ऋषि मुनियों की जो बनाई हुई हमारी परंपराएं हैं उनको आस्था के साथ और जिसका आज के युग में प्रभाव जो है वो अच्छा रहे वो मनाने का प्रयास करें। इस बार तो झूले आए हैं, कुछ ऐसी से सोफ़ा सेट्स आए हैं जो कृष्ण जी की और राधा के बैठने के लिए होते हैं। झूले आए हैं नए डिज़ाइन के, बच्चों के मतलब कि स्कूल के जो फंक्शन होते हैं उसके लिए राधा जी की ड्रेस आई है, कृष्ण जी की ड्रेस आई है, मुकुट आए हैं, कुछ डिफरेंट ड्रेसेस आई हैं छोटी बड़ी क्वालिटी वाइज जो अच्छी हैं लोगों पहनाते हैं वो चीज़ें आई हैं। ज़्यादातर अब ज़्यादा लोग करते हैं, पहले तो करते ही थे, अब जो जिन नई जनरेशन है नए लोग हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को मानती है और इसलिए वो चाहती हैं कि अच्छी से अच्छी और क्वालिटी वाइज अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट जो है आप हमें दें, हर साल कोई नई डिफरेंट चीज़ हो। जैसे कि आपने देखा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनज़र लोग बढ़ चढ़ कर बाज़ारों में ख़रीदारी कर रहे हैं, वहीं एक बात और साफ हो गई है कि बड़े बुज़ुर्गों में जितना उत्साह इस त्यौहार को लेके है उसी तरह जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी इस त्यौहार से उतनी ही जुड़ी हुई है। जम्मू स्पीक्स के आज के अंक में बस इतना ही, सुचित्रा कॉल को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।